ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है, इसमें जो चेयरमैन है जनाब मोहसिन नकवी साहब, वो कह रहे हैं कि कम व्हाट मे ये होगा, और उधर इंडिया हमेशा की तरह, क्या लगता है आपको, ये होगा या फिर हमें बाहर जाके खेलना पड़ेगा? कि इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ बनाता है, वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएं, हम उसके बाद आ जाएंगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है, लेकिन ये हर दफा ड्रामेबाजियां करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाजियां की, हाइब्रिड पे लेके चले गए, ठीक है, उसके बाद कहते रहे कि जी आप एशिया कप अगर फायर करेंगे तो हम जब आप जब हमारी तरफ 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, फिर उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये हर दफा इस तरह करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती से इस किस्म का स्टैंड लिया। देखें, हम लास्ट जो चैंपियनशिप चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2017 की, हम वो फाइनल जीते थे, उसके बाद हमारे मुल्क में ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। तो हमें जो है वो पैसा अपनी देना है। सबको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का किसी भी इवेंट में मैच होता है उसमें भाई 15 सालों में जो रिकॉर्ड है उसमें तो पाकिस्तान जो है वो 2-3 दफा वहां गया है और वहां उन्होंने जाकर मैच खेला है। भारत जब भी पाकिस्तान आया तो हमने वेलकम कहा, लेकिन भारत ऐसा क्यों करता है कि वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है? देखिए, भारत को सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है, उसने क्रिकेट के ऊपर तो वो बात ही नहीं करता। इस किस्म की बातें जो है ना वो हम लोग भी कर सकते हैं, हमें ही पता है इंडिया में क्या कुछ होता है। मतलब ये है कि ये क्रिकेट के लेवल पे नहीं है, ये जो उनकी सरकार है बीजेपी और ये जो राइट विंग हिंदुत्वता वाला मामला है उसके लिए क्रिकेट को इंडिया इस्तेमाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स, 2-3 क्रिकेटर ऐसे हैं, अगर इरफान पठान की बात करूं तो मैं, हरभजन सिंह की जो है बात करूं, गौतम गंभीर की बात करूं, ये ऐसे क्रिकेटर्स हैं, इनसे जब भी मीडिया में बात की जाती है ये अजीब फजूल किस्म की डिबेट करके चले जाते हैं। जी पाकिस्तान यूं है, भाई आप तो क्रिकेटर है, आपको तो ये बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में कभी भी किसी क्रिकेटर ने इस किस्म की फजूल बात नहीं की। मुझे एक चीज समझ नहीं आती ना, आईसीसी क्या कर रहा है? आईसीसी किसी गली मोहल्ले का कोई इदारा तो नहीं है ना, उसके अंदर आपके क्रिकेट बोर्ड, पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड आते हैं, वो आईसीसी उसको चला रहे हैं ना। तो सिंपल सी चीज, सीधी सी बात है, आईसीसी को साफ बोलना चाहिए बीसीसीआई को कि भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं आना चाहते, या आप ये रीजन उठा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में दहशत गर्दी, हमारे प्लेयर सेफ नहीं है, तो आप थैंक यू वेरी मच हो जाए। हमारे पास ऑप्शन ये है कि भाई जो टीम नहीं खेलना चाहती है उसको हम बाहर करके, जो बाहर की और टीम है हम उसको ले लें, श्रीलंका को ले लें या किसी और टीम को ले लें। सर क्या आप समझते हैं कि आईसीसीआई का जो हेड बनने वाला है, जो सदर बनने वाला है, वो ये काम करेगा, पाकिस्तान की फेवर करेगा और मोहसिन नकवी साहब को वो ऑनर देगा? देखिए, आईसीसी समझ ले बीसीसीआई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है आईसीसी बीसीसीआई है, कोई भी आ जाए वहां पे चेयरमैन। ऑस्ट्रेलिया में भी कोई पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं या जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी वाला मामला है, इस पर लोगों की क्या राय है? किसी इमरान भाई, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो तो सभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया है, सब लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इसी के ऊपर खड़ा रहे, क्योंकि हमारी अब रिस्पेक्ट भी इसी में है। और जो पाकिस्तान मुसलसल इंडिया से ब्लैकमेल होता आया एक अरसा, उससे अब बचने का भी और आगे बढ़ने का भी यही एक रास्ता है। जहां तक आपने ऑस्ट्रेलियंस की बात की है, देखिए ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो भी आपको मालूम होगा, जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल गयाना में हुआ, उस सेमीफाइनल को पहले से ये कह दिया गया कि इफ इंडिया क्वालिफाई दे विल प्ले इन द गयाना। इसी तरीके से पिछला जो वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ तो उसमें भी यही था कि इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल दे विल प्ले इन द मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। तो वो एडवांटेजेस के ऊपर सवालात ये लोग उठा रहे हैं, तो वो सभी लोग ये कहते थे कि ये काम जो खत्म कर सकता है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही खत्म कर सकता है। इस वक्त बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। जो मेरे पास खबर और इतला है वो ये है कि बात अब फाइनल तक आ चुकी है कि आया क्या पाकिस्तान फाइनल अपने हाथ से निकलने देगा या नहीं निकलने देगा। अभी तक मेरे सोर्सेज के मुताबिक शायद इसके अंदर तब्दीली भी आ सकती है। सिचुएशन जो मुझे पता चली है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इस हद तक सैक्रिफाइस कर सकता है, वो भी लास्ट स्टेज पे जाके, कि इंडिया को पूल बी के अंदर फेंक दो, पूल ए से निकाल के। इंडिया पाकिस्तान गेम तो अब होने वाला नहीं है, ये बात तो दीवार पे लिखी जा चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान गेम अगले 5 साल तक हमें आईसीसी इवेंट्स में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह चुका है। अब जो जिन पॉसिबिलिटीज के ऊपर पस पर्दा गुफ्तगू चल रही है, जो मुझे पता चला है वो ये है कि इंडिया अपने तीनों मैचेस वो पूल बी के अंदर जाकर इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और प्रॉब्ली तीसरी टीम साउथ अफ्रीका होगी, उनके साथ जाके दुबई में खेल ले। अगर इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान शायद पीछे हट जाए, ये एक लचक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विद इन पीसीबी या हुकूमत के साथ डिस्कशन जो जराए बता रहे हैं। लेकिन जो फाइनल मैच है
आईसीसी बीसीसीआई ये पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं कि फाइनल मैच भी पाकिस्तान से बाहर रखा जाए, इंडिया क्वालिफाई करे या ना करे। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हद तक हाइब्रिड की लचक दिखा सकता है, ये डिस्कशन में, ये ऑप्शन में आ चुका है, लेकिन फाइनल पाकिस्तान कहता है कि अगर आप लोगों ने फाइनल की भी तलवार हमारी गर्दन पर चलाने की कोशिश की तो फिर हम जो है वो हमारे हाथ खड़े हैं। नमस्कार, भारतीय पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा कि तनवीर अहमद पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर क्या बातें कर रहा है, जिस तरीके से वो कह रहा है कि बीसीसीआई और आईसीसी दोनों बराबर हैं, जो बीसीसीआई बोलेगा वही आईसीसी करेगा, क्योंकि जो 70-80% रेवेन्यू जाती है आईसीसी को वो बीसीसीआई के द्वारा जाती है। तो इस बात को तो ये मानना शुरू कर दिया। और आपने ये भी देखा होगा कि जो पाकिस्तानी है वो इस बात को भी बोलना शुरू कर दिए हैं कि हाइब्रिड मोड पे चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है। अब इनका मामला जो फंसा हुआ है वो है कि जो फाइनल है, जो कि बीसीसीआई या आईसीसी ये चाहती है कि जो फाइनल है वो पाकिस्तान के बाहर हो, चाहे इंडियन टीम उसमें फाइनल में जाए या ना जाए। तो इस चीज़ को लेके जो मोहसिन नकवी है अड़ा हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जैसे डिसाइडेड है कि जो फाइनल है वो लाहौर के अंदर होगा तो वैसे ही होगा। दोस्तों, एक चीज़ देखिए कि जब ये बात हुई थी कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, तो यही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है और यही बीबीएन वाला है जो ये बात कर रहा था कि इंडियन टीम नहीं आएगी तो हम हाइब्रिड मोड पर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया है। अब जब पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर दिया था कि हाइब्रिड मोड पर नहीं जाना, तो वो फिर चेंज कैसे करें अपने स्टैंड को? उसी तरीके से आप देखिएगा कि फाइनल भी बाहर होगा, हाइब्रिड मोड में भी होगा और पाकिस्तान टीम भारत से खेलने यूएई भी जाएगी। आप देखते रहिए बस ये किस तरीके से धीरे धीरे अपने स्टैंड से हटते हैं और पैसे के चक्कर में जो स्टैंड लिए हुए हैं, जो अपनी रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे इज्जत पे सवाल उठ रही है, तो उससे पीछे हटेंगे, ये इनकी आदत है। पहले शोर करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे पैसा दिखेगा वैसे वैसे ये खिसकते खिसकते जो सामने वाली पार्टी कह रही है उस पर वो आ जाएंगे। ये पाकिस्तान का कैरेक्टर है। दोस्तों, आप वीडियो देखिए, इंजॉय करिए, धन्यवाद। दोबारा मोहसिन नकवी ने आपसे कुछ देर पहले चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात की और आईसीसी को उन्होंने, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किस तरीके से कहना कि अपनी क्रेडिबिलिटी देखें और हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में होगा, तो ये जो दे रहे हैं किस्म का, अगर आम जबान में मैं बात करूं कि उनको एक हिंदी में अगर बोलूं चुनौती दे रहे हैं या फिर एक उनको वो दे रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं? सारी चीजें ठीक की हुई उस्मान, आखिरी बात कि जब तक हम ये देखेंगे ना कि हमसे को हमारे मुल्क में सब कुछ ठीक है, हमारे पास तमाम 6 टीम आने को तैयार है, गवर्नमेंट हमारी तैयार है, इंडिया को हम वीजा देकर होस्ट करने को जा रहे हैं, इंडिया कह रहा है हमने जाना नहीं है, वो जबरदस्ती के रीजन बना रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? मोहसिन नकवी साहब ठीक कर रहे हैं मेरे ख्याल में कि वो क्लियर पैगाम दे रहे हैं कि आईसीसी भी वही ठीक चाप काम करेगा, लद्दाख में ट्रॉफी जा सकती है तो यहाँ क्यों नहीं जा सकती, तो मुजफ्फराबाद में शायद पीसीबी अभी भी चाहे जाए, यूनाइवन हो गया, इस पर पड्डा दोबारा से शुरू हो जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब सारे के सारे फॉर्मेलिटीज पूरी की हुई है, उसके बावजूद एक बोर्ड का सिर्फ ये कहना जी हम नहीं जाएंगे, मुझे बताएं ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस और क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा साहब एक जैसे बराबर नहीं है, वो 6 आ सकते हैं, ये सातवीं टीम, या तो आईसीसी कहता है भाई सबको खतरा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर ठीक है पाकिस्तान में भारत ना आए, फिर कोई भी ना आए, ये कैसे हो सकता है कि 6 टीमें बशमूल पाकिस्तान, भाई हम सब फैंस, हम सबको भी सिक्योरिटी चाहिए, हम हमें मैच देखने जाना है, हमें कवर करने जाना है, सबकी सिक्योरिटी, तो भारत को जस्टिफाइड करना पड़ेगा। और मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, हम हाइब्रिड नहीं मानेंगे, चाहे जबरदस्ती आईसीसी करा ले कुछ हो, लेकिन कम से कम हम तो अपनी करेज दिखाए ना कि भाई हमसे गलती नहीं हुई तो हम क्यों झुके। लेकिन क्या ये स्टांस के अचानक खुले में सबके सामने अगर इस तरीके से कहना, और खासतौर पर आईसीसी को आपने मुखातिब किया और भारत को मुखातिब किया कि अगर आपको कोई, उनकी एक बात भी ठीक है जो उन्होंने बोला है यार, आईसीसी आखिरी बात ये कि आईसीसी भी तो जवाब नहीं दे रहा, उनको लेटर लिखा है वो बीसीसीआई का वेट कर रहे हैं, भाई आईसीसी हो और मोहसिन नकवी आप बीसीसीआई से पूछो, नहीं जवाब दे रहे तो उनको निकालो। मोहसिन नकवी ने ये भी अभी रिसेंटली अभी बोला है कि वो कह रहे हैं कि अगर भारत को कोई इशू है तो बताए तो सही, ताकि हम उसको उनको सॉल्व करें, ये तो इशू तो सॉल्व तो करें। हां आईसीसी को जवाब नहीं दे रहा तो आईसीसी को चाहिए एक्शन ले, कुछ भी नहीं कह सकते।